हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्यसाची क्लासेस। टुडे इन दिस वीडियो वी शैल स्टडी सेजर्स बुक क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 9 आइडेंटिटीज एंड इट्स एक्सरसाइज 9.1 एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी हैड सॉल्व टिल क्वेश्चन 4 एंड टुडे वी शैल नाउ सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवेन। Use the identity method to find the value of the problems given below. नीचे जो problems दिए हैं उनका identity method से value find करना है। So first is given 41 square. So सबसे पहले ये जो 41 square है इसको identity a plus b and its whole square के form में लिख लेंगे। So ये जो 41 है इसको हम लिख सकते हैं 40 plus 1। So here 41 square is equal to in bracket 40 प्लस 1 एंड इट्स होल स्क्वायर। नाउ आइडेंटिटी इज इन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ऑन कंपैरिजन ए इज इक्वल टू 40 एंड बी इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इन ब्रैकेट 40 प्लस 1 एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के प्लेस में 40 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए के प्लेस में 40 मल्टीप्लाई बी के प्लेस में 1 प्लस बी स्क्वायर के प्लेस में 1 स्क्वायर देन 40 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 44 जा 16 एंड 20 प्लस 240 जा 80 एंड 81 जा 80 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। देन इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1681। सो 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 एंड ये इसका आंसर होगा। सेकंड इज गिवन 69 स्क्वायर। सो 69 को भी आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लेंगे। सो हियर 69 स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन राइट इट 70 माइनस 1 एंड इट्स होल स्क्वायर। नाउ आइडेंटिटी फॉर दिस ए माइनस बी एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ऑन कंपेरिजन ए इज इक्वल टू 70 एंड बी इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इन ब्रैकेट 70 माइनस 1 एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के प्लेस में 70 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए के प्लेस में 70 मल्टीप्लाई बी के प्लेस में 1 प्लस बी स्क्वायर के प्लेस में 1 स्क्वायर जाएगा देन 70 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 77 जा 49 एंड 20 माइनस 72 जा 140 एंड 141 जा 140 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। देन ये होगा 0 माइनस 0 गिव 0 10 माइनस 4 गिव 6 हियर 8 इज लेफ्ट सो 8 माइनस 1 गिव 7 एंड 4 के लिए 4 प्लस 1 देन यह होगा 4761। सो 69 स्क्वायर इज इक्वल टू 4761 एंड ये इसका आंसर होगा। आप इसे 60 प्लस 9 के फॉर्म में भी स्प्लिट कर सकते हैं। देन इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड इट्स होल स्क्वायर एंड इसमें भी आंसर हमको यही फाइंड होगा 4761। थर्ड इज गिवन 97 स्क्वायर। सो हियर वी कैन राइट 97 स्क्वायर इज इन ब्रैकेट 90 प्लस 7 एंड इट्स होल स्क्वायर। नाउ आइडेंटिटी फॉर दिस इज ए प्लस बी एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ऑन कंपैरिजन ए इज इक्वल टू 90 and b is equal to 7 therefore in bracket 90 plus 7 and its whole square is equal to a square ke place mein 90 square plus 2 multiply a ke place mein 90 multiply b ke place mein 7 plus b square ke place mein 7 square then ye hoga 9 9 is 81 and 20 plus 9 to the 18 एंड 18 7 जा 126 सो 1260 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49
देन ये होगा 9 + 0 9, 4 + 6 10, +0 10, सो 10 का 0 कैरी 1, 2 + 1 3, +1 4 एंड 8 + 1 9, सो 91² इज इक्वल टू 9409 एंड ये इसका आंसर होगा। फोर्थ इज गिवन 84². सो हियर वी कैन राइट 84² इज इन ब्रैकेट 80 + 4 एंड इट्स होल स्क्वायर। नाउ आइडेंटिटीज फॉर दिस इज a + b एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² एंड ऑन कंपेरिजन a इज इक्वल टू 80 एंड b इज इक्वल टू 4। देयर फॉर इन ब्रैकेट 80 + 4 एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² के प्लेस में 80² प्लस 2 × a के प्लेस में 80 / b के प्लेस में 4 प्लस b² के प्लेस में 4² देन 80 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 8 × 8 = 64 एंड 20 प्लस 2 × 8 = 16, 16 × 4 = 64, तो ये हो जाएगा 640 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। देन इनको ऐड करेंगे तो 6 + 0 + 0 = 6, 1 + 4 = 5 + 0 = 5, 6 + 4 = 10, 10 का 0 = 1 एंड 6 + 1 = 7, सो 84² इज इक्वल टू 7056 एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, यूज द आइडेंटिटी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। आइडेंटिटी मेथड का यूज करके नीचे जो प्रॉब्लम्स दिए हैं उनका वैल्यू हमको फाइंड करना है। सो फर्स्ट इज गिवन 105 × 95, सो हियर वी कैन राइट 105 × 95 इज इन ब्रैकेट 100 + 5 इंटू इन ब्रैकेट 100 - 5, बिकॉज 100 + 5 इज इक्वल टू 105 एंड 100 - 5 इज इक्वल टू 95। नाउ ऑन कंपेरिंग इन ब्रैकेट a + b इंटू इन ब्रैकेट a - b इज इक्वल टू a² - b², सो हियर a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 5। Therefore, in bracket 100 + 5 into in bracket 100 - 5 is equal to a² के प्लेस में 100² माइनस b² के प्लेस में 5² इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25। देन 10,000 में 25 माइनस करेंगे सो 10 - 5 = 5, हियर 9 इज लेफ्ट, 9 - 2 = 7, हियर 9 इज लेफ्ट एंड हियर ऑल्सो 9 इज लेफ्ट, सो 9975 इज आंसर फॉर दिस। सेकेंड इज गिवेन 92 × 88, सो हियर वी कैन राइट 92 × 88 इज इन ब्रैकेट 90 + 2 × इन ब्रैकेट 90 - 2, बिकॉज 90 + 2 इज इक्वल टू 92 एंड 90 - 2 इज इक्वल टू 88। नाउ ऑन कंपेरिंग इन ब्रैकेट a + b एंड इन ब्रैकेट a - b इज इक्वल टू a² - b², सो a इज इक्वल टू 90 एंड b इज इक्वल टू 2। देयरफॉर इन ब्रैकेट 90 + 2 इंटू इन ब्रैकेट 90 - 2 इज इक्वल टू a² के प्लेस में 90² माइनस b² के प्लेस में 2² देन 90 का स्क्वायर होगा 9 × 9 = 81 एंड 20 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4। देन 8100 में 4 माइनस करेंगे सो 10 - 4 = 6, हियर 9 इज लेफ्ट एंड हियर 0 इज लेफ्ट एंड हियर 8 इज लेफ्ट, सो 8096 इसका आंसर होगा। थर्ड इज गिवेन 503 × 497, सो हियर वी कैन राइट 503 × 497 इज इन ब्रैकेट 500 + 3 इंटू इन ब्रैकेट 500 - 3, बिकॉज 500 + 3 इज इक्वल टू 503
and 500 minus 3 is equal to 497. Now on comparing, in bracket a plus b into in bracket a minus b is equal to a square minus b square. So a is equal to 500 and b is equal to 3. Therefore, in bracket 500 plus 3 into in bracket 500 minus 3 is equal to a square के प्लेस में 500 square minus b square के प्लेस में 3 square. Then 500 का square है तो ये होगा 5 5 25 and 20 का square हो जाएगा 40 minus 3 का square होगा 9. Then 10 minus 9 gives 1. Here 9 is left. Here 9 is left, here 9 is left, here 4 is left, and here 2 is left. So 2,49,991 is the answer. Hoga. Question number 7 is given. Find the value of x when. Niche kuch conditions diye hain. Unme humko x ka value find karna hai. So first is given. 6x is equal to 28 square minus 22 square. So we can write it 6x is equal to 28 plus 22 into in bracket 28 minus 22 because iske liye identity hota hai a square minus b square is equal to in bracket a plus b into in bracket a minus b. Then 6x is equal to 28 plus 22 ye ho jayega 50. एंड ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा एंड 28 में 22 माइनस होगा तो ये बचेगा 6. देन अब ये जो x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 6. देन 6 से 6 क्रॉस हो जाएगा सो x इज इक्वल टू 50 एंड ये इसका आंसर होगा. सेकेंड इज गिवेन 3x is equal to 17 square minus 14 square. So we can write it 3x is equal to 17 plus 14 into in bracket 17 minus 14 because iske liye identity hota hai a square minus b square is equal to in bracket a plus b into in bracket a minus b. देन ये होगा 3x इज इक्वल टू 17 में 14 एड होगा तो ये हो जाएगा 31 एंड ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा एंड 17 में 14 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3. देन ये जो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3. देन 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा सो x इज इक्वल टू 31 एंड ये इसका आंसर होगा. थर्ड इज गिवेन 19x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट 19x इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 3 प्लस 16 इंटू इन ब्रैकेट 3 माइनस 16 बिकॉज इसके लिए आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू इन ब्रैकेट ए माइनस बी. देन ये होगा 19x इज इक्वल टू 16 प्लस 3 19. ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा एंड 3 में 16 माइनस होगा तो ये बचेगा माइनस 13. देन ये जो x के साथ 19 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई माइनस 13 अपॉन 19. देन 19 से 19 क्रॉस हो जाएगा सो x इज इक्वल टू माइनस 13 एंड ये इसका आंसर होगा. फोर्थ इज गिवेन 43x इज इक्वल टू 28 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट 43x इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 28 प्लस 15 इंटू इन ब्रैकेट 28 माइनस 15 बिकॉज इसके लिए आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू इन ब्रैकेट ए माइनस बी. सो ये होगा 43x इज इक्वल टू 28 में 15 एड होगा
तो ये हो जाएगा 28 प्लस 10 38 प्लस 5 43 एंड ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा एंड 28 में 15 माइनस होगा सो 8 माइनस 5 गिव्स 3 एंड 2 माइनस 1 गिव्स 1। देन अब ये जो x के साथ 43 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा सो x इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 43। देन 43 से 43 क्रॉस हो जाएगा सो x इज इक्वल टू 13 एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवेन, सॉल्व 3x माइनस 5y एंड इट्स होल स्क्वायर एंड वेरीफाई द आंसर्स फॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। 3x माइनस 5y एंड इट्स होल स्क्वायर को हमको सॉल्व करना है और इनको वेरीफाई करना है जब x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 हो। सो 3x माइनस 5y एंड इट्स होल स्क्वायर कंपेयरिंग विथ a माइनस b एंड इट्स होल स्क्वायर गिव a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 5y एंड आइडेंटिटी फॉर दिस a माइनस b एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दस 3x माइनस 5y एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के प्लेस में 3x एंड इट्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस में 3x इंटू बी के प्लेस में 5y प्लस बी स्क्वायर के प्लेस में 5y एंड इट्स होल स्क्वायर। देन ये होगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30 इंटू एक्स वाई सो 30 इंटू एक्स वाई प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू वाई स्क्वायर। नाउ वेरिफिकेशन फॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3x माइनस 5y एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई y के प्लेस में 2 एंड इट्स होल स्क्वायर। देन ये होगा 3 4 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 एंड इट्स होल स्क्वायर। देन 12 माइनस 10 गिव्स 2 सो 2 स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 25y स्क्वायर। देन 9 मल्टीप्लाई x स्क्वायर के प्लेस में 4 स्क्वायर माइनस 30 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 4 मल्टीप्लाई y के प्लेस में 2 प्लस 25 मल्टीप्लाई y स्क्वायर के प्लेस में 2 स्क्वायर। देन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 16 9 जा 144 माइनस 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24 सो 240 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 सो 25 4 जा 100। अब ये दोनों प्लस में है सो 144 में 108 होगा तो ये हो जाएगा 244 माइनस 240। देन 244 में 240 माइनस होगा तो ये बचेगा 4 सो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 4 फाइंड हो गया एंड राइट हैंड साइड का भी वैल्यू 4 फाइंड हो गया सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देन इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन, सॉल्व इन ब्रैकेट x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 एंड इट्स होल स्क्वायर एंड वेरीफाई द आंसर्स फॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 12। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 एंड इट्स होल स्क्वायर को हमको सॉल्व करना है एंड x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 12 के लिए आंसर को वेरीफाई करना है। सो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 एंड इट्स होल स्क्वायर कंपेयरिंग विथ a प्लस b एंड इट्स होल स्क्वायर गिव a इज इक्वल टू x अपॉन 3 एंड b इज इक्वल टू y अपॉन 5 एंड आइडेंटिटी फॉर दिस a प्लस b एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दस x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a के प्लेस में x अपॉन 3 सो x अपॉन 3 एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के प्लेस में x अपॉन 3
सो इन ब्रैकेट x अपॉन 3 इंटू बी के प्लेस में y अपॉन 5, सो इन ब्रैकेट y अपॉन 5 प्लस बी स्क्वायर के प्लेस में y अपॉन 5 एंड इट्स होल स्क्वायर, देन ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 2 इंटू एक्स वाई अपॉन 5 थ्री जा 15 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर होगा 25। सो ये इसका आंसर होगा। नाउ वेरिफिकेशन फॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 12, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 एंड इट्स होल स्क्वायर, सो x के प्लेस में 9 अपॉन 3 प्लस y के प्लेस में 12 अपॉन 5 एंड इट्स होल स्क्वायर, देन ये होगा 3 3 जा 9 प्लस 12 अपॉन 5 एंड इट्स होल स्क्वायर, देन 5 3 जा 15 प्लस 12 27, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 5 एंड इट्स होल स्क्वायर, देन 27 का स्क्वायर होता है 729 अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2xy अपॉन 15 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25, देन x स्क्वायर के प्लेस में 9 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 9 मल्टीप्लाई y के प्लेस में 12 अपॉन 15 प्लस y स्क्वायर के प्लेस में 12 स्क्वायर अपॉन 25, देन 9 स्क्वायर के 19 से ये 9 क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9 प्लस ये होगा 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, देन 12 3 जा 36 एंड 36 2 जा 72 अपॉन 5 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144 अपॉन 25, देन अब इनको ऐड करना है तो पहले इनका एलसीएम फाइंड करना होगा, सो इनका एलसीएम हो जाएगा 25 एंड 9 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो 1 से 25 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 125 जा 25, सो 9 मल्टीप्लाई 25 प्लस 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 55 जा 25, सो 72 मल्टीप्लाई 5 प्लस 25 1 जा 25, सो 144 मल्टीप्लाई 1, देन 25 9 जा 225 प्लस 72 5 जा 360 प्लस 144 1 जा 144 अपॉन 25, देन इनको ऐड करेंगे सो 4 प्लस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 एंड 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 का 2 कैरी 1 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7 अपॉन 25, सो लेफ्ट हैंड साइड में भी 729 अपॉन 25 फाइंड हो गया एंड राइट हैंड साइड में भी, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन इट इज ट्रू। सो दिस एक्सरसाइज 9.1 इज कंप्लीटेड। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी शैल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.2। सो नाउ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द नेक्स्ट क्लास, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।